मैं राजेश चौहान, माय यूट्यूब चैनल बुलेट मास्टर, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ये गाड़ी आई है मेरे पास इलेक्ट्रा, और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसके लिए हमें क्या करना होगा अभी आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से किक देख रहे हैं आप, इस तरीके से बुलेट की किक कभी भी नहीं जाती है। अब हमें नहीं पता इस गाड़ी में क्या करवाया क्या नहीं करवाया, और किक भी मार रहे हैं तो गाड़ी की किक भी नीचे रह जा रही है, लेकिन ऊपर लेने के बाद इस तरीके से किक कभी नहीं होती है। दोस्तों अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है खोलते हैं फटाफट से, और क्या करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। बाकी फ्रेंड्स सारा कुछ खुल चुका है, और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम अभी देखी है हमें, ये लोकल मैकेनिक बाइक वाले से काम करा के अगर बुलेट छिड़वाते हैं तो आप अपनी बुलेट का एस टेस ही करवाते हैं। सही बता रहा हूँ आपको जो इसमें करा क्या है, और किक की स्प्रिंग इसमें उल्टी लगा दी है। बाकी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, बल्कि इस तरीके से हमारी किक नीचे काम करनी चाहिए, यूं नीचे हम जब दबाते हैं फिर अपने आप वापस आनी चाहिए। अब ये उल्टा हो रहा है, बाकी इसकी फटाफट से किक की स्प्रिंग डालता हूँ, और इसलिए कहता हूँ कि आपको बार बार के बुलेट का काम जब भी कराएं बुलेट वाले मैकेनिक से ही कराएं, अनाड़ी मैकेनिक से गाड़ी को छिड़वाएंगे सत्यानाश करवाएंगे अपनी गाड़ी का। बाकी किक की स्प्रिंग किस तरीके से डाल रखी है डाली जाती है वो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है दोस्तों। बाकी फटाफट से इसमें स्प्रिंग डाल के और सब कुछ पैक वुक करके फिर आपको दिखाता हूँ वो वाली प्रॉब्लम ख़त्म हुई कि नहीं। बाकी फ्रेंड्स हमारा सब कुछ फिटिंग हो चुका है, और आपको दिखाता हूँ ये देखो, अब हम किक नीचे की तरफ दबा रहे हैं तो ये हमारी वापस आ रही है, और पहले आपने देखा था किस तरीके से कर ली थी। बाकी किक मार के भी दिखाता हूँ आपको, पहले किक हमारी नीचे भी रह जा रही थी। बाकी फ्रेंड्स जो इस गाड़ी पे प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। बाकी आप सभी से एक ही बात बोलूँगा मैं, आप जब भी काम कराएं अपनी रॉयल इनफील्ड बाइक का तो अच्छे मैकेनिक से कराएं, बाइक वाले मैकेनिक से कराएंगे, और सही मैकेनिक नहीं होगा तो आपको गाड़ी बार बार खुलवानी पड़ेगी। जो पैसे खर्च हों आपके एक बार हों बार बार ना हों, बार बार गाड़ी खोलने पे इसके नट बोल्ट वगैरह भी स्लिप हो जाते हैं हमारे, क्योंकि जितनी बार नट बोल्ट हम टाइट करेंगे और खोलेंगे हमारी चूड़ियाँ जहाँ हम बोल्ट टाइट करते हैं उनकी ख़राब हो जाती है। बाकी फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों।